हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कमलदीप सिंह मेजर है। सो आज का जो टॉपिक है, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट करने जा रहे हैं। एक इनफाइनाइट ऑफ सीरीज का सम फाइंड करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा, काफी इंटरेस्टिंग है, एस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो इसका जो आंसर हमारे पास क्या होगा। आज हम एक सीरीज कंसीडर करते हैं। ये सीरीज क्या कौन सी सीरीज है? हमारे पास नेचुरल नंबर की सीरीज है जो कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है। तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा जी, आज का क्वेश्चन है। तो इसका मान, अब हम यदि लॉजिक लगाते हैं, हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं। यदि हम फाइंड करते हैं, 5 नंबर लेते हैं, तो इसका सम क्या होगा? पहले 5 का सम क्या होता है? फाइनाइट होगा, अगेन नेचुरल नंबर होता है। जहां पर यदि हम इसको एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि हमारे पास जो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर का सम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। सो आज इसको फाइंड करते हैं। इस जी काफी हमारे पास पॉपुलर सीरीज है कि हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ एन। तो ये एक ऐसी सीरीज है जो कि फिजिक्स में बहुत यूज होती है। फिजिक्स में एक टॉपिक है सेटिंग थ्योरी और क्वांटम में है टॉपिक, उसमें वो जो सीरीज है, वो थ्योरी है, वो सारे के सारे इसके ऊपर बेस्ड है। देखिए रिजल्ट उसमें अप्लाई होता है तभी वो प्रूव होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो आज इसका सम फाइंड करते हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम देखते हैं कि आंसर कैसे आता है। इसके आंसर को प्रूव करने के लिए हम सीरीज लेते हैं। सबसे पहले हम मान लो हमारे पास एक सीरीज है S1, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 अप टू 1, ये भी हमारे पास इन्फिनिटी तक है। तो हमने यहाँ पर अल्टर से नेगेटिव साइन लिया, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो सकता है? ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, लेकिन इसका आंसर हम दो मेथड्स को हम लगाएंगे, दो टिक लगाए थे। हमारे पास जो है या तो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, या तो जो इवन हो सकती है, या तो जो क्या हो सकती है, ऑड हो सकती है। तो पहले किस करते हैं कि जो इवन है, यदि हमारे पास जो इवन नंबर ऑफ टर्म है तो हम इसकी पेयरिंग कर सकते हैं। ऐसे में इसकी पेयर, ये पहला पेयर ले लो, ये हमारे पास दूसरा पेयर होगा, ये हमारे पास तीसरा पेयर होगा। तो ऐसे हमारे पास यदि 10 नंबर है तो हमारे पास 5 पेयर बन जाएंगे। यदि हमारे पास 20 नंबर होते तो उसके 10 पेयर होते। इसका मतलब क्या होगा? इसके बाद पेयर बनाने के बाद हमारे पास कोई भी नंबर नहीं बचेगा, तो सारे के सारे पेयर में आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 1 माइनस 1 0। इसका क्या आंसर है? 1 माइनस 1 0 0 0 0। इसका मतलब 0 0 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम 0 आएगा, उसका आंसर क्या होगा हमारे पास? 0। तो इसका एक आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? इसका एक आंसर आ रहा है हमारे पास 0। कब आ रहा है? यदि हमारे पास जो नंबर ऑफ नंबर है वो इवन होगी। लेकिन इवन हो सकती है, यदि इवन है फिर तो क्या होगा? फिर तो हमारे पास ऑड होगी। अब ऑड नंबर ऑफ टर्म आती है, तो हमारे पास जब ऑड नंबर ऑफ टर्म आती है तो तब इसका आंसर क्या आएगा? ऑड नंबर ऑफ टर्म में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यदि हमारे पास, मान लो हमारे पास 1, 2 एंड ये 3 नंबर ऑफ टर्म है, टोटल 3 टर्म है। इसमें जो क्या है, ऑड नंबर ऑफ टर्म है। मैं एक टर्म को निगलेक्ट कर दूं, इग्नोर कर लूं, तो अब क्या बचेगा? हमेशा हमारे पास क्या होगा? इवन नंबर ऑफ टर्म इन 2 बचेगी। यदि आपके पास 5 नंबर ऑफ टर्म्स है, आपने उसमें से एक को निगलेक्ट करे तो बचे रिमेनिंग क्या होगी? 4। तो दैट इज रिमेनिंग, हमारे पास इवन आ गया। तो जहां पर अभी हम ऐसे देखते हैं, यदि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म क्या है, ऑड होगी, तो हम क्या करेंगे? पहले एक को, जो जी वाला एक है, मैं इसको नॉर्मल लिख सकता हूँ सबको ऐसे। तो इस एक को हम ऐसे रख लेते हैं, इसको एक को हमने ऐसे रखा, इसकी पेयरिंग कर दी, इसकी पेयरिंग कर दी, इसके नेक्स्ट पेयर की पेयर, और इसको पेयर किया, माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस वन प्लस जीरो, तो सारे के सारे क्या है? इवन है। तो इन सभी का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। और जो 0 आएगा, जो हमारे पास क्या है? 1। 1 प्लस 0, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। अब क्या कि हमने S1 एक सीरीज ली जो कि अल्टरनेटिव साइन के पास है, साथ है 1 माइनस 1, 1 माइनस, इसका आंसर या तो 0 आएगा या 1। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म इवन है या ऑड है, ये दोनों की श्योरिटी नहीं कि कौन सी इवन हो सकती है और ऑड हो सकती है। इसका मतलब हम इसकी एवरेज ले लेते हैं। यदि हमारे पास 2 आंसर आते हैं तो हम हमेशा उसका जो आंसर होता है उसका हम एवरेज को मानकर चलते हैं। तो इन दोनों का एवरेज क्या हुआ? 0 और 1 की एवरेज क्या होती है? हाफ होती है। तो इसका आंसर हम क्या मानकर चलेंगे? इसका आंसर हम मान के चलेंगे कि हमारे पास क्या आएगा, मान लो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 1/2, दैट इज इन दोनों का हाफ होता है, एवरेज आती है। तो S1 का आंसर क्या आ गया? हाफ आ गया। तो हमने प्रूफ इसको करना, लेकिन इसकी हेल्प लेंगे। अब सेकंड सीरीज, एक और सीरीज लेनी पड़ेगी। वो सीरीज क्या, हम S2 कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास वो सीरीज सेम लेंगे, लेकिन उसके में हम 1 माइनस, तो अल्टरनेटिव साइन लेंगे, प्लस माइनस, प्लस के 5, माइनस के 6, प्लस के 7, अप टू 7, ऐसे में चलेंगे। अब ये जो सीरीज है, इसका आंसर क्या आएगा? ये भी इन्फिनिटी है। अब इसका सम करने के लिए हम इसको एक ट्रिक लगाते हैं, वो क्या होता है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, एक बार फिर से लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लिखेंगे, इसको थोड़ा सा आगे करके लिखना होगा, थोड़ा सा इसको हम फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पर 1 इस यहाँ पर लिख दीजिए, माइनस 2 यहाँ पर लिख दीजिए, प्लस के 3 यहाँ पर, माइनस के 4 यहाँ पर, प्लस के 5,
माइनस दिस सिक्स ऐसे लिख दीजिए। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, एस टू प्लस एस टू हमारे पास क्या होगा, टू एस टू हो जाएगा। जहां पर क्या होगा, अब ऐड ऐसे करना है एक के आगे नीचे के नीचे, तो वन के नीचे तो कुछ नहीं, तो वन बच गया। माइनस वन प्लस वन क्या होगा हमारे पास, माइनस वन, थ्री में से टू के प्लस का वन आ गया, जहां पर आंसर क्या गया, माइनस वन अगेन प्लस वन आ गया, माइनस वन प्लस वन ऐसे हमारे पास चला जाएगा। तो ये क्या सीरीज बनेगी, ये तो हमारी एस वन बन गई, तो हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट दिस इज अवर एस वन, एंड एस वन का आंसर अभी क्या है हमारे पास, वन बाय टू आया। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, टू एस टू इज इक्वल टू वन बाई टू, विच इम्प्लाइज एस टू का आंसर कितना है हमारे पास, वन बाई फोर। ये टू को इधर हमने शिफ्ट किया था, टू इंटू टू वन बाई फोर, हमारे पास ये जो रिजल्ट आ गया एस टू इज इक्वल टू वन बाई फोर। हमने फाइंड क्या करना, हमने एस फाइंड करना जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है ये वाली सीरीज, और एस टू मैंने क्या डिफाइन किया, एस टू मैंने नीचे वाला डिफाइन किया, और उस एस टू का जो आंसर कितना आ गया हमारे पास, वन बाई फोर आ गया। अब करना क्या होगा, अब हमने इस s में से इस s2 को माइनस करना है, तो लिखते हैं यहाँ पर, आप इसको लिख सकते हैं हमारा आंसर क्या आ गया, s2 का कितना आता आंसर, यहाँ पर नोट कर लीजिए, वन बाई फोर आ गया, हमें इसको लिख दिया। अब जो फाइनल है लास्ट स्टेप है, इसको नोट करना ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, हम इस s में से इस s2 को माइनस करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एस माइनस ऑफ एस टू, तो ये जो सीरीज आ रही है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन अप टू सो, ये पूरी सीरीज होगी इनफिनिट पर, माइनस ये वाली सीरीज हम लिख देते हैं एस टू की, ये क्या हमारे पास माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर प्लस फाइव माइनस सिक्स प्लस सेवन अप टू सेवन। अब जब माइनस करेंगे तो बनेगा क्या हमारे पास, जहां पर आप ध्यान से देखना, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स अप टू सो ऑन, यहाँ पर हमारे पास माइनस का वन हो गया और प्लस के टू हो गए, माइनस के थ्री हो गए, प्लस के फोर हो गए, माइनस के फाइव हो गए, प्लस के सिक्स हो गए, माइनस के सेवन हो गए, प्लस के एट हो गए, अप टू सो ऑन। यहाँ पर देखिए वन माइनस वन ये तो कैंसिल हो गए एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास क्या बचेगा, टू प्लस टू क्या बचेगा हमारे पास, फोर, अगेन हमारे पास थ्री, थ्री से कैंसिल हो जाएगा, और फोर प्लस फोर कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा, अगेन हमारे पास क्या होगा, फाइव में से फाइव कैंसिल हो गया, अगेन हमारे पास क्या बचेगा, ट्वेल्व बचेगा, फिर हमारे पास सिक्सटीन बचेगा, हमारे पास ट्वेंटी बचेगा, अप टू सो ऑन। तो ये क्या बच रहा है हमारे पास, जो भी आंसर बचा वो सब क्या है, फोर की सीरीज है, फोर इसमें से टेकिंग फोर कॉमन आउटसाइड, फोर कॉमन लिया तो फोर बाहर आके हमारे पास वन बचा, यहाँ पर टू बचेगा, यहाँ पर हमारे पास थ्री बचेगा, फोर बचेगा, फाइव बचेगा, अप टू सो ऑन। अब ध्यान से देखना, जब फोर कॉमन आ गया तो ये क्या बचा, वन टू थ्री फोर फाइव, ये तो हमारा एस था, यहाँ पर पुट कर दीजिए इसको एस, तो इधर क्या था हमारे पास, एस माइनस ऑफ एस टू इज इक्वल टू फोर ऑफ एस। तो आपने क्या करना है, एस को एक तरफ कर लेना, तो इसको मैं इस तरफ लेकर चाहेंगे तो हमारे पास कर लिया एस माइनस ऑफ फोर ऑफ एस, और ये जो माइनस के एस टू इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर लिया एस टू, तो जहां पर क्या आ गया एस माइनस फोर एस हमारे पास माइनस ऑफ थ्री ऑफ एस, और अब एस टू की वैल्यू पुट करनी होगी, एस टू की वैल्यू कितनी हमारे पास थी, वन बाय फोर, जहां से हम पुट कर देंगे तो एस टू की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, वन बाय फोर। सो विच इम्प्लाइज हमें एस चाहिए, तो एस को ऐसे रखें, जो हमारे पास क्या था माइनस वन बाय थ्री, इसको नीचे शिफ्ट किया मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, माइनस थ्री मल्टीप्लाई फोर विच इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, दैट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सीरीज अप टू इनफिनिटी इज इक्वल टू वन बाई ट्वेल्व माइनस, सो दिस मीन दिस आंसर इज व्हाट, दिस आंसर इज इक्वल टू माइनस वन बाई ट्वेल्व। काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, काफी इंटरेस्टिंग है, यदि आपको मालूम है तो आप को इसको कर सकते हैं, लेकिन यदि आज से पहले आपने इसको नहीं देखा तो हम इसको कभी सोच भी नहीं सकते कि इसका आंसर नेगेटिव होता है, जो हमारे रामानुजन जी की देन है हमारे को, तो ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। यदि आपको जो रिजल्ट अच्छा लगा तो प्लीज इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हो, ऐसी और भी ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे रिजल्ट होंगे हम उसको आपके लिए करते हैं, तो इसका जो प्रूफ है तो हम प्रूफ के साथ उसको बता सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सेकंड थ्योरम में अप्लाई होता है। सो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे चैनल को, कमलदीप सिंह निजरा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।